तो गाइस ये देख सकते हैं सीमेंट की चौखट लगी हुई है, और ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये पूरी जो पुताई उताई के जो दाग है, और इसमें जो सीमेंट लगी है अंदर ये देख सकते हैं पूरी सीमेंट लगे हुए हैं घिसने के लिए। तो गाइस ये जो पेपर है 80 नंबर का पेपर रेतमाल हमारे पास रखा हुआ है, आपको रेतमाल ले लेना है, और रेतमाल से बढ़िया इसको जैसे ये सीमेंट लगी है तो इसको बढ़िया आपको ऐसे करके जैसे निकाल लेना है, जैसे ये सीमेंट लगी है इसको आपको बढ़िया, और जो सीमेंट का ये जो लगा हुआ है पुट्टी उट्टी के दाग हैं इसको बढ़िया आप ऐसे, ये जो पटासी है पटासी से बढ़िया आपको ऐसे ऐसे इसको जैसे निकाल लेना है। और बहुत आसान तरीका आप ये अपने घर पे भी कर सकते हो, इस टाइप से आपको बढ़िया ये ऐसा निकाल लेना है। तो गाइस हम ये फटाफट चौखट पहले साफ कर लेते हैं और फिर मैं इसके आगे भी आपको प्रोसेस बताता हूँ। और बहुत आसान तरीका है सीमेंट की चौखट में ऑयल पेंट करने का, तो गाइस वीडियो में बने रहिए। तो गाइस ये देख सकते हैं किनारे किनारे बढ़िया हमको ऐसे टेप लगा लेना है, ताकि ये जो हमारा इनेमल पेंट ऑयल पेंट जो हम प्राइमर लगाएंगे इसमें वो पूरा दीवारों में ना जाए और दीवारें बढ़िया रहें। तो गाइस इसी तरह हम नीचे जो टेप पट्टी देख रहे हैं आप, ये बढ़िया हम चौखट किनारे किनारे और ये अंदर साइड भी हम पूरी लगा लेते हैं जिससे ऑयल पेंट दीवारों में ना जाए। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, और जो हमारे चैनल में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह से पेंट पॉलिश से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरे पास प्राइमर रखा हुआ है, ये एशियन पेंट का प्राइमर है, ये देख सकते हैं रेड ऑक्साइड ये प्राइमर है, और इसके एमआरपी देख सकते हैं गाइस 256 रुपये इसके एमआरपी है, एशियन पेंट का है। तो गाइस हम इसको बढ़िया मिक्स कर लेते हैं, और गाइस हमको इसमें तारपिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमारे पास ये बर्जर कंपनी का तारपिन रखा हुआ है, ये देख सकते हैं मिनरल तारपिन ऑयल है, ये 1 लीटर की पैकिंग में है, और इसकी एमआरपी देख सकते हैं 190 रुपये कुछ इसकी एमआरपी लिखी हुई है। तो गाइस हम इसको बढ़िया बना लेते हैं, और एक खाली सा डब्बा ले लेना आपके हिसाब से, तो इसकी पैकिंग खोल लेते हैं। तो गाइस ये हमको सीमेंट की जो चौखट है उनमें हमको करना है, तो पहले ये जो हमारे पास प्राइमर है पहले हम गाइस रेड ऑक्साइड का पहले इसमें प्राइमर कर लेते हैं, और गाइस प्राइमर हम ब्रश से ही अप्लाई करेंगे, स्प्रे से हम अप्लाई नहीं करेंगे। पहले इसको पड़ियों में से खोल लेते हैं, ये देख सकते हैं गाइस ये रेड ऑक्साइड है, हमको पूरा 1 लीटर लगेगा तो मैं 1 लीटर इसमें पूरा डाल लेते हैं। गाइस ये रेड ऑक्साइड है हमारे पास, प्राइमर हम पहले अप्लाई करेंगे। तो गाइस ये जो हमारे पास तारपिन रखा हुआ है, तारपिन आपको गाइस इसमें 100 या 150 ml आपको तारपिन ले लेना है, और हम ब्रश से अप्लाई करेंगे, देख सकते हैं गाइस ये मेरे पास 100-150 ml तारपिन मैंने इसमें डाल लिए हैं। इसको बढ़िया मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद हम इसको चौखट में अप्लाई करेंगे। तो गाइस आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे चैनल में आपको पेंट पॉलिश से रिलेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, स्किप करके वीडियो आप देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो ये जो प्रोसेस है गाइस ये आप अपने घर पे भी खुद ही कर सकते हो। ऐसे ही देख सकते हैं मेरे पास ये 3 इंची का ये ब्रश रखा हुआ है, इसको बढ़िया आपको इसमें से डुबो लेना है, और डुबाने के बाद गाइस आपको इसमें चौखट में से अप्लाई कर देना है। तो गाइस ये जो प्राइमर है, प्राइमर के आप 2 कोट भी लगा सकते हो, क्योंकि ये सीमेंट की चौखट है ये। तो गाइस ये देख सकते हैं मैंने इसमें 1 कोट अप्लाई कर दिया था, तो बढ़िया ये सूख के कंप्लीट है देख सकते हैं। तो गाइस ये हम इसमें 2nd कोट भी अप्लाई कर देंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं इसमें हम 2nd कोट अप्लाई कर रहे हैं चौखटों में प्राइमर। तो गाइस देख सकते हैं ये फाइनली इसमें मैंने 2nd कोट प्राइमर के अप्लाई कर दिया हूँ। देखिए हमारे पास गोल्डन ब्राउन का जो ऑयल पेंट है इनेमल पेंट, वो हमको इसमें अप्लाई करना है, इसको पहले थोड़ा सा सूख जान देते हैं।
तो गाइस ये देख सकते हैं हमारे पास ये गोल्डन ब्राउन ऑयल पेंट है, इनेमल पेंट है, ये एशियन पेंट का है, देख सकते हैं एशियन पेंट कोलाइट का है, ये गोल्डन ब्राउन कलर है। और गाइस इसकी MRP देख सकते हैं 265 रुपये इसकी MRP है, गोल्डन ब्राउन कलर है गाइस, ये कलर भी इसमें ऐसा आता है। और हमको इसको थोड़ा सा लाइट करना है तो ये हमारे पास वाइट कलर रखा हुआ है, ये भी एशियन पेंट का है, आपको लाइट का इनेमल पेंट है। और इसकी MRP दे सकते हैं 126 रुपये इसकी MRP डली है, ये वाइट कलर है, हमको थोड़ा सा इसको लाइट करना है। और ये छोटा सा हमारे पास देख सकते हैं गाइस, ये वार्निश है, क्लियर सिंथेटिक्स वार्निश है, हमको इसमें उसको मिलाना है, इसकी MRP 64 रुपये है। तो गाइस चलो हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले गाइस ये जो 1 लीटर की ये पैकिंग है, इसको बढ़िया हमको थोड़ा सा लाइट कलर बनाना है। तो लाइट कलर बनाने के लिए गाइस हमको थोड़ा सा वाइट लगेगा, इसलिए मैंने 1 लीटर की पैकिंग ले लिया हूँ, उसको हम बढ़िया पहले खोल लेते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारे पास ये गोल्डन ब्राउन का पेंट है, इसको हमको बढ़िया पहले अंदर इसको मिक्स कर लेना है, तो काफ़ी दिन का रहता है तो इसमें माल आ रहा पूरा नीचे बैठ जाता है, तो इसको हमको बढ़िया पहले मिक्स होने के बाद गाइस हमको इसमें और ये गाइस हमारे पास ये वाइट कलर रखा है, ये आपको 200 ml का है, ये 200 ml की ये पैकिंग है, वाइट इनेमल पेंट है एशियन, इसको भी आपको थोड़ा सा लाइट कलर बनाना है, इस वजह से आपको ये पूरा इसको भी गाइस हम बढ़िया मिक्स कर लेंगे। काफ़ी दिन की पैकिंग रहती है उस वजह से ये नीचे पूरा जम जाता है, बढ़िया हमको इसे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद गाइस इसमें हमको को पलटा लेना है, और बहुत आसान तरीका है गाइस, आप अपने घर पे भी चौकट ओकट जो रहती है आप पेंट कर सकते हैं। और गाइस ये मेरे पास ये 200 ml का सिंथेटिक वार्निश क्लियर रखा हुआ है, तो गाइस ये वार्निश है, तो ये 200 ml है, हम इसको इसी में मिला लेते हैं। और गाइस आपको ज़्यादा नहीं, तकरीबन आपको इसमें 50 ml तारपिन यूज़ करना है, थोड़ा सा आपको गाढ़ा ही मारना है। तो हम इसमें गाइस ये हमारे पास बर्जर का तारपिन रखा है, मेरिनर तारपिन ऑयल, ये भी 1 लीटर की पैकिंग है, तो हम इसमें 50 ml इसको डाल लेते हैं, देख सकते हैं गाइस 50 ml हमको इसमें मिला लेना है और थोड़ा गाढ़ा ही मारना है। तो गाइस इसका कलर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लाइट कलर इसका आ चुका है, और हम इसको गाइस बस ब्रश से अप्लाई करेंगे, इसको बढ़िया आपको बढ़िया मिक्स कर लेना है। और जो गोल्डन ब्राउन कलर था उसका कलर देख सकते हैं आप, गोल्डन ब्राउन का कलर इस टाइप का था, और हमने इसमें थोड़ा सा 200 ml इसमें वाइट मिलाया, इसका कलर ऐसा हो गया। तो ये गाइस थोड़ा सा लाइट कलर हमने इसको कर दिया है, तो गाइस इसको बढ़िया आपको मिक्स कर लेना, और मिक्स करके गाइस हम इसको चौकट में अप्लाई करते हैं। तो गाइस आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो गाइस देख सकते हैं हमने इसमें जो गोल्डन ब्राउन लगाए हैं चौकट में, अभी हमने 1 कोट इसमें अप्लाई कर दिए हैं, और गाइस इसको हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तकरीबन हमको छोड़ देना है सूखने के लिए कम से कम 12 घंटे, तो हम इसको छोड़ देते हैं सूखने के लिए, फिर हम कल गाइस इसमें सूखने के बाद गाइस हम इसमें 2nd कोट अप्लाई करेंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं हमने इसमें चौकट में 1 कोट हमने गोल्डन ब्राउन का पेंट अप्लाई किए थे, तो ये जो सूख के बढ़िया कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। तो गाइस हम इसमें जो तो आपको थोड़े कहीं कहीं पे स्पॉट दिख रहे होंगे ये कहीं कहीं पे, तो हम गाइस इसमें 2nd कोट अप्लाई कर लेते हैं और सूखने के लिए इसको हम छोड़ देते हैं।
ऑयल पेंट हम सेकेंड। तो गाइस ये देख सकते हैं, आपको बढ़िया इसमें सेकेंड कोट भी अप्लाई कर लेना है, जिससे ये चौकट जहाँ जहाँ पे थोड़ा छूटा हो वहाँ पे थोड़ी कवर हो जाए। तो गाइस इसी तरह से मैं पेंट पॉलिश से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल में नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।